किसी इंसान के बारे में अच्छी बातें जो है वो भी तो कही जा सकती है। तो जरूरी है कि जो बातें डिबेटेबल है वही सामने लाई जाए। ये जिस इंसान जो इंसान ऐसी बातें कहता है ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है। कर्म हमारा भाग्य बदल देता है और हमारा भाग्य हमारे कर्म बदल देता है। इसलिए इस डिबेट में हम न जाए तो बेहतर। जो हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं और ये मंदिर उसी बात का साक्षी है, उसी बात का सबूत है। श्री राम सबकी तरह मेरी भी आस्था की केंद्र है। राम को मांसाहारी बताने वाले एनसीपी विधायक जितेंद्र रावत की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें एनसीपी विधायक जितेंद्र रावत पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बाद अब रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का बयान सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए अरुण गोविल का जितेंद्र रावत पर जमकर गुस्सा फूटा। उन्होंने एनसीपी नेता को मुंहतोड़ जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसी इंसान के बारे में अच्छी बातें जो है वो भी तो कही जा सकती हैं। क्या जरूरी है कि जो बातें डिबेटेबल हैं वही सामने लाई जाए। ये जिस इंसान जो इंसान ऐसी बातें कहता है ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो पॉजिटिविटी में बिलीव नहीं करता। उसको किसी भी तरह से निगेटिविटी पैदा करनी है अपने स्वार्थी रीजंस के लिए। ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता ही होता है। आप अलग नहीं कर सकते दोनों। ये हमारे ऊपर है। आज हमारे माता पिता होते हैं या हमारे बड़े होते हैं, हम उनसे अच्छी बातें लें या उनकी कमजोरियां लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इज़ सिंपल एज़ दैट। हमें अपना जीवन किस तरह जीना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम उन बातों को न देखें या न सोचें जो डिबेटेबल है। देखिए अब दो बातें हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जो होना होता है वो होता ही है तो ये होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। न तो हम केवल भाग्य के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह और न हम कर्म के भरोसे चल सकते हैं पूरी तरह। हमारा जीवन हमारे भाग्य और कर्म का कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है एक दूसरे के। जितना इंपॉर्टेंट हमारा भाग्य है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा कर्म भी है। कर्म हमारा भाग्य बदल देता है और हमारा भाग्य हमारे कर्म बदल देता है। इसलिए इस डिबेट में हम न जाए तो बेहतर। जैसा कि अभी अभी श्याम जी ने भी बताया और हमने भी देखा, ये तीनों अंक वाकई हम सब के लिए बहुत पवित्र अंक बन गए हैं, बहुत ऐतिहासिक अंक हैं, और इनका हमारे जीवन में सदा बहुत एक ऊंचा स्थान रहेगा। इन तीन अंकों से जो हमें प्राप्त हुआ यानी रामलला का मंदिर, वो मंदिर हमारे लिए सदा एक प्रेरणा स्रोत की तरह रहेगा। हम उससे श्री राम के जो मूल्य हैं, जीवन के मूल्य हैं, उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं, जो हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं, और ये मंदिर उसी बात का साक्षी है, उसी बात का सबूत है। जहाँ तक ये फिल्म की बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत दिल के करीब है, श्री राम सबकी तरह मेरी भी आस्था के केंद्र है, तो फिल्म का सब्जेक्ट बहुत दिल के नजदीक होने के कारण इसे करने का, जब किसी चीज को करने का मन होता है, अंदर से मन होता है, एक होता है हम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, एक होता है कि नहीं, प्रोफेशनल के साथ साथ एक अंदर से काम करने का मन करता है कि नहीं यार इससे हम जुड़े हैं, ये था हमारे मन का काम, तो वो इस फिल्म को करने से लगा। फिल्म का ट्रेलर
मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी देखा है। इन्होंने दिखाया नहीं था आज तक, छुपा के रखा था बिल्कुल। बहुत अच्छा बना है ट्रेलर, और ट्रेलर ये बताता है कि पूरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मेरी तरह हम सभी जो कलाकार हैं इस फिल्म के, सभी के मन के बहुत नज़दीक रहा है ये सब्जेक्ट, इसलिए बहुत अच्छा लगा। और आप सबका सहयोग अपेक्षित है इस काम के लिए। आज पूरा भारत, पूरा विश्व, जहाँ भी भारतीय हैं, जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, सबके बीच एक ही जय घोष है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका सहयोग अपेक्षित है ताकि ये जय घोष केवल किसी एक दिशा में नहीं बल्कि चारों दिशाओं में गूंजे, और जहां भारतीय नहीं है या सनातन धर्म के लोग नहीं रहते हैं वहां तक भी इसकी प्रतिध्वनि जाए, उन्हें भी एक आवाज सुनाई दे ब्रह्मांड में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, ये जो आप इस बात को ठीक कह रही हैं कि ये जो एक जन जागृति हुई है ये धीरे धीरे हुई है, कभी भी ऐसा नहीं था कि ये नहीं थी, और कभी भी ऐसा नहीं था कि ये इस तरह चरम पर थी, अपने उत्कर्ष पर थी। ये धीरे धीरे जन जागृति हुई है, और ये हुआ है राम मंदिर के कारण बेसिकली, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जो लड़ी है सब, और इसके सबसे बड़े कर्णधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें माना जा सकता है, जो है इस सारे श्रेय का, जो इस सारे बात का जो श्रेय है वो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए जो साथियों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने जो विल पावर जो की है कि नहीं ये काम मुझे करना है, मैं इसे करके रहूंगा, उसकी वजह से ये सब काम हुआ है, और धीरे 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 जन जागृति होती चली गई। दूसरी बात, दो साल पहले, ढाई साल पहले कोविड में रामायण का फिर से दिखाई गई, और उस वक्त इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो वहां से भी ये बात दोबारा से शुरू हुई। लेकिन बेस इसका मंदिर है, इस जन जागृति का टोटली। पहले कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की फिल्में बनेंगी, क्योंकि ये हुआ नहीं था इतने दिन से भी। जैसे पहला जो 6 तारीख जो है 695 का जो 6 है वो 1992 का है, उसके बाद 9 कब आया, 1919 में। आप देखिए 1928, 27 साल बाद, तो 27 साल में उस तरह की जन जागृति नहीं थी लोगों के मन में, तो था सदा, ये कभी गया नहीं। लेकिन कोई ना कोई कभी कभी कहते हैं कि चिंगारी सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, लेकिन कभी कभी वो जब आग बनती, अब वो आग बनी लेकिन पॉजिटिव रूप में, निगेटिव आग नहीं बनी वो, ये पॉजिटिव आग है जो हमारे देश को हमारी संस्कृति से जिसने फिर से जोड़ दिया। कहते हैं कि जब संस्कृति हमारे जीवन से निकल जाती है तो हम धराशायी हो जाते हैं, जैसे एक पेड़ की जड़ और हमारी संस्कृति वो एक ही बात होती है। पेड़ की जड़ जब हिल जाती है तो पेड़ सूख जाता है, वही हमारी संस्कृति के साथ होता है। जब हम अपनी संस्कृति से अलग होने लगते हैं तो हम में कुछ नहीं रह जाता, हम एक बार फिर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, और इस बार ऐसे जुड़े हैं कि हम कभी इससे अलग नहीं होंगे।